हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सब बढ़िया हो, है ना। गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकम एकेडमी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, एंड आई एम डैम श्योर दैट मेरी आवाज़ आपको आ रही है। सो ये है हमारा डे 3। ओके, डे 3 जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग मेन ग्रुप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बैक बॉन्डिंग एंड उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कल को। तो आज हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे एडक्ट फॉर्मेशन पे। ओके, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडक्ट फॉर्मेशन, एंड लेट अस सी उसमें क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास में गाइस एक लिविस एसिड होता है और हमारे पास में एक लिविस बेस होता है। अब लिविस एसिड आपको पता है इसके पास में एक ऑर्बिटल खाली होता है और लिविस बेस के पास में एक ऑर्बिटल भरा हुआ होता है। अब ये जो लिविस बेस है वो लिविस एसिड को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस कॉम्बिनेशन से लिविस एसिड को जब लिविस बेस इलेक्ट्रॉन देता है तो इसी चीज से जनरेट होता है आपका एडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट। ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। ओके, एंड ये जो एडक्ट्स होते हैं ये चीज़ों को स्टेबलाइज करने के काम में आते हैं। ओके, तो यू हैव टू कंसिडर द बेस्ट एडक्ट, कौन सा एडक्ट बेस्ट होगा, कहाँ पे बनने की चांसेस अच्छी होंगी, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, ठीक है। ओके, सो या देखो, सो नाउ सी गाइस, ओके, नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इसी में अगर आप लेते हो, हम एडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में ओ सी एच थ्री एंड सी एच थ्री है विद लोन पेयर। ठीक है, अब इसको अगर हम दे रहे हैं बी बी आर थ्री। ओके, तो अब आपको ये देखना है ना, बढ़िया बेस और बढ़िया एसिड होना चाहिए, मतलब इसके पास में ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और इसके पास में ऑर्बिटल भरा होना चाहिए। दिस इज लिविस बेस एंड दिस इज लिविस एसिड। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ही एडक्ट फॉर्मेशन अच्छा होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगी तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको ये बना के दिखाने का है कि वो बन रहा है कि नहीं, आप समझ रहे हो। आपको बस देखना है कि एडक्ट बनेगा कि नहीं। तो एडक्ट बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक गुड लिविस एसिड एंड एक गुड लिविस बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो लिविस एसिड है उसके पास में ऑर्बिटल कम है और ऑर्बिटल या जो भी है व्हाट्स एवर इट इज, आप समझ रहे हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो फिर आगे चलते हैं। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस पार्ट। या आगे चलते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे। ठीक है, लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो जैसे कि हमारे पास में CF3 विद 1 पॉजिटिव है एंड CCl3 विद 1 पॉजिटिव है, तो विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, ए और बी? तो आंसर विल बी ए इज मोर स्टेबल देन बी। व्हाई? बिकॉज जो ए है वहाँ पे आपका 2p पाई
टू पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टू पी पाई एंड थ्री डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। समझ रहे हो? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है सी एफ थ्री विद वन नेगेटिव एंड सी सी एल थ्री विद वन नेगेटिव। ओके, तो ए और बी में से विच वन इज मोर स्टेबल? देन यू विल से दैट बी इज मोर स्टेबल देन ए। व्हाई? बिकॉज जो आपका कार्बन एंड क्लोरीन है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्लोरीन के पास में थ्री डी ऑर्बिटल खाली है, तो टू पी थ्री डी बैक बॉन्डिंग यहाँ हो सकती है। बट अगर हम सी एफ थ्री की बात में करेंगे तो कार्बन पे भी लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट, अगर हम सी एच टू एफ माइनस लिखें और सी एच टू सी एल माइनस लिखें, विच वन इज मोर स्टेबल, वन और टू? देन डेफिनेटली यू विल से दैट टू इज मोर स्टेबल, रीजन इज सेम, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कंपेरिजन बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। ओके, कंपेरिजन बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। ओके, सो अभी अगर हम बेंजीन और बोराजीन के बीच में कंपेरिजन करें तो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वी हैव, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, हाउ टू प्रिपेयर बोराजीन, प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन, तो बेसिकली बोराजीन इज बी थ्री एन थ्री एच सिक्स। ओके, हाउ डू यू प्रिपेयर? यू हैव टू लर्न दिस, आई मीन ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट को अगर आप अमोनियम क्लोराइड दोगे तो यूल गेट सोडियम क्लोराइड, एंड अलॉन्ग विद दैट यूल बी गेटिंग बी थ्री एन थ्री एच सिक्स एंड अमोनिया। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आप याद कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस राइट सम सिमिलैरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन, सिमिलैरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल, प्लीज नोट। ओके, ऐसे एमएसक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चंस, बोथ आर isostructural, both are isostructural. Second, both are isoelectronic, दोनों के दोनों ही isoelectronic होते हैं. Third,
बोथ आर प्लेनर, दोनों के दोनों ही प्लेनर होते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, आइसो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है. पर अगर हम बेंजीन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी बेंजीन इस तरह से नजर में आती है. आपको ना अगर यार ये लिखना नहीं है सिर्फ समझना है, तो आप अभी समझ लो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम दिव्या पे. अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे आज. ठीक है, अगर आप लिखना नहीं चाहते सिर्फ समझना चाहते हो तो मैं बस समझा देती हूँ, फिर नोट्स आप लिख लें, फिर अपने उन वर्ड्स में उसको मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, नाउ सी, इसके बाद में अगर हम बोराजीन की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट बोराजीन, तो बोराजीन जनरली इस तरह से नजर में आता है आपको. ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात ये है दैट जैसे बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है. यहाँ पे आपको पता है बोरोन के पास में ऑर्बिटल फुल खाली है और नाइट्रोजन के पास में ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें जो बॉन्ड आप बनाएंगे वो इस तरह से होता है. ठीक है, मतलब हमेशा नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन किसको देता है, बोरोन को देता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज लिविस बेस एंड बोरोन इज लिविस एसिड. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रेजोनेंस ऐसे कर दो, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये बात थोड़ा ध्यान आपको रखना है. ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस राइट सम पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलरिटीज. ओके, पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलरिटीज, व्हाट आर डिससिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजीन. ओके, बेंजीन और बोराजीन के बीच में क्या डिससिमिलरिटीज है वो हमें देखना है. ठीक है, तो पहला क्या है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन. साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल इन बेंजीन बट इन बोराजीन इट्स नॉट पॉसिबल. बेंजीन में पॉसिबल है बट बोराजीन में पॉसिबल नहीं है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था कि नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर जा सकते हैं, इधर के लोन पेयर इधर जा सकते हैं, इधर के लोन पेयर इधर जा सकते हैं, तो वन साइडेड है ना. ऐसा नहीं कर सकते आप कि बोरोन के इधर कर दो, बिकॉज बोरोन के पास तो है ही नहीं. इधर ऐसे भी आप नहीं कर सकते और ऐसे भी आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल वाइट वाला पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये येल्लो वाला ही पॉसिबल है. तो यहाँ पे यू नो जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, सिग्मा के थ्रू यू नो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब ये ही ल्यूविस बेस है. और बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बैक बॉन्डिंग की बात चल रही है और वो ल्यूविस एक्सेप्टर ल्यूविस एसिड है. समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी किसी भी तरीके की अगर है तो बोल दें, बोल दो ना जरा.
अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेंजीन का मैंने लिखा दैट कहाँ पे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल इन बेंजीन। बेंजीन में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल नो, मतलब अगर मैं इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ मिस प्रतीक्षा, तो मैं बना सकती हूँ। देखो ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और ये इस तरह से मूव करेगा ना, तो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, मैं कर सकती हूँ। तो दीज आर यू नो इलेक्ट्रॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, यस, बट हेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड। हेलो हेलो हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? प्रीवियस स्लाइड में मैंने बोला नाइट्रोजन जो है दैट इज अ ल्यूविस बेस, एंड बोरॉन क्या है, दैट इज अ ल्यूविस एसिड। ल्यूविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ल्यूविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो दोस्तों देना लेना लेना देना चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कोई तकल्लुफ है तो मुझे बताएं, बढ़ें आगे, कोई तकलीफ नहीं है ना आपको, आगे चलें। लिख लिया, नहीं भी लिखा तो आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल दिव्या पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसमें एक डायग्राम होता है, ओके? उस डायग्राम को आप समझने की चेष्टा करें। नाइट्रोजन बोरॉन मतलब ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, डिसाइड करने के लिए ना कि यार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एग्जैक्टली है कहाँ पे, एक कॉन्टोर डायग्राम बनाया था, ठीक है? अब ये जो आपका कॉन्टोर डायग्राम था वो ये बताता है, वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी इस तरह से कंडेंस्ड थी। मतलब देखो ये एक तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डालकर उसमें देखा गया कि डायग्रामेटिकली नाइट्रोजन मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो मैक्सिमम नाइट्रोजन के पास बैठी हुई थी, भले ही वो रेजोनेट कर रहा है, सॉरी, भले ही वो डोनेट कर रहा है बैक बॉन्डिंग, बट वो पाई से लेता है, सिग्मा से खींच लेता है। मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी तो है ना, ठीक है? तो नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से दिस इज द कॉन्टोर डायग्राम ऑफ बोराजीन। दीप्तमॉय मैम, बोरॉन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इट्स पाई ऑर्बिटल्स, यस। बोरॉन के पास में कौन सा ऑर्बिटल है, हमने सेकेंड क्लास में क्या देखा था, बोरॉन के पास में क्या खाली था, 2p ऑर्बिटल खाली था, तो 2p पाई, 2p पाई ना, तो 2p पाई ऑर्बिटल में वो ओवरलैप का मतलब एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है, आगे चलो, लिख लिया। चलिए मैम, माई डाउट क्लियर हो गया क्या? मैम मैम मैम, इससे भी प्रीवियस स्लाइड कौन सी वाली? विच वन? सिमिलरिटीज वाली स्लाइड में? बेंजीन है ना ये, यस दिस इज बेंजीन। बेंजीन क्लियर है?
चलिए नाउ सी एडिशन रिएक्शंस इन केस ऑफ बेंजीन. एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ बेंजीन, हाँ एग्जाम्पल है वो. बेंजीन में आपने HCl दिया तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा, एडिशन नहीं होता है यहाँ पे. पर अगर आप बोराजीन को दोगे, इसको अगर आप HCl दोगे तो हाँ प्रोडक्ट बनेगा, B3H9N3Cl3, ये प्रोडक्ट बनता है. कैसे बनता है देख लेते हैं. हमारे पास में बोरॉन है, उसके साथ में हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन है, फिर से बोरॉन के साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बोरॉन के साथ में फिर से हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरह से. तो नाइट्रोजन के पास में क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. और बोरॉन के पास में जो ऑर्बिटल है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. यस दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. तो इस वजह से अगर हम इसको HCl देना चाहेंगे तो Cl ऑफ कोर्स यहाँ आना चाहेगा और H ऑफ कोर्स यहाँ पे जाना चाहेगा. तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, H, H आ जाएगा. तो क्या बनता है, B3N3H3 और 3 कितना हो जाएगा, पर H दो आ सकते हैं ना वहाँ पे, एक H तो ऑलरेडी है ही, है ना, B3N3H6 तो वो है ही. तो क्या हो जाएगा, B3H N3H9Cl3. डन. आगे चलते हैं. नाउ सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमारे पास में है B3N3H6 और इसको हम दे रहे हैं हैलोजन, ठीक है, से एल्यूमिनियम हैलाइड के साथ में, ठीक है. तो अगर हम ये चीज़ करते हैं, अगर हम इसको देते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होगा, यस होगा, है ना. अगर हम बेंजीन लेते हैं उसमें भी हो जाता है. जैसे हमारे पास में बोरॉन है वही, आपको बस देखना है एक्चुअली यहाँ पे क्या होएगा आपका. अगर हम हैलोजन की बात करते हैं, जैसे हम Br2 ले रहे हैं, मान लो हम Br2 ले रहे हैं, तो एक आपका Br प्लस होगा, एक आपका Br माइनस होगा, है ना. तो बस ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ओनली आपको यू नो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. तो हर जगह पे ये तो है ही हाइड्रोजन, ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे जो बोरॉन है उसके पास में यू नो एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे Br माइनस आएगा. तो यहाँ पे एक Br माइनस लगेगा, मतलब Br माइनस वाला आएगा, तो ये Br इस पर अटैच हो जाएगा. इन सब पे ही Br आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे आपका Br आ जाएगा, ठीक है, ओके. तो ये पूरा का पूरा एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे Br लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होएगा. तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका HBr एलिमिनेट हो जाएगा. मतलब जहाँ जहाँ पे बोरॉन बोरॉन है वहाँ वहाँ पे तो Br रहेगा, ओके. और जो नाइट्रोजन का Br है
वो बोरॉन की हाइड्रोजन के साथ में एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ से एच बी आर एलिमिनेट होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा, मतलब बोरॉन के साथ में ब्रोमीन लगेगा, नाइट्रोजन के साथ में कोई ब्रोमीन नहीं लगेगा। ये बात को आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया होगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत बात। तो ये जो मिल रहा है दैट इज Bn3 H3 Br3, तो प्लीज नोट दिस प्रोडक्ट। Is that clear to everybody? चलिए अभी कल से हम करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग। ओके, कल से हमारा जो टाइमिंग है दैट इज 7 AM। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स। दूसरा जो हमारा टाइमिंग है दैट इज़ 5:30 PM। यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फिर हमारा 6:15 PM क्लास है, यहाँ पे करेंगे क्विज़। फिर 7:30 PM दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद में 8:30 PM, 8:30 क्या 8:45 भी कर लेते हैं, लेट हो जाता है। तो दिस इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो ये आपका फंडा हो जाएगा फॉर टुमारो। ये रोज़ का है, मतलब दिस इज रोज़ का। ओके, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो। और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल दिव्या पे, जो